नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। हम लोग का DMS का सब कार्यकर्ता का पिकनिक का प्रोग्राम था वनभोज, तो इस दौरान बैठक भी हुई आप लोगों की? हाँ, आपस में चर्चा हुई कि संगठन को कैसे चलाया जाए। क्या चर्चा हुई, विस्तार से थोड़ा बताएंगे? विस्तार रूप से कि संगठन को एकजुट रखने के लिए चर्चा हुई। आपका नाम? विक्रमादित्य प्रसाद गुण। हम लोग का खान सर में कांग्रेस का BMS का वनभोज का प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम के दौरान क्या क्या कार्यक्रम और हुआ है? कार्यक्रम हम लोग का जो सांगठनिक प्रोग्राम होता है हरेक वनभोज में, वही हम लोग को अपना चर्चा विषय करते हैं। संगठन हम लोग का कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे क्या करना होगा, यही हम लोग का चर्चा होता है। तो संगठन को लेकर के मतलब और मजबूत करने के लिए कोई चर्चा हुई? हाँ, संगठन मजबूत करने के लिए चर्चा हुई है। जैसे हम लोग का जो अभी समय है, इस समय में हम लोग अपने आप को ये कर रहे हैं कि जितने भी अधिक से अधिक मेंबर और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी मिल करके इस विषय पर चर्चा करते हैं कि हम लोग कैसे आगे बढ़ें। अच्छा, हाल में ही एक समाचार पत्रिका में खबर आई थी कि BMS का संगठन जो है कमज़ोर हो रहा है। नहीं, ये गलत बात है। इस चीज़ को हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। ये गलत बात है। कुछ ऐसा असामाजिक तत्व के लोग हैं कि जो हम लोग को ये गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, संगठनी कार्यक्रम के लिए आगे क्या रणनीति आप लोगों का? संगठनी कार्यक्रम के लिए हम लोग हमेशा BMS जो है मजदूरों को लेकर के हर एक जगह पर, हर एक रास्ते पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और हम लोगों का BMS जो है कोई पॉलिटिकल राजनीतिक संगठन नहीं है। हम लोग का जो भी ताकत है, हम लोग का मजदूर ताकत है, मजदूर को ही लेकर के हम लोग चलते हैं। जितने भी ताकत हम लोग का है, मजदूर है। तो कोरोना काल में क्या योगदान रहा BMS का? BMS का हम लोग का कोरोना काल में बहुत अच्छा ये रहा कि हम लोग सभी मजदूर, चाहे नॉन मजदूर भी हैं, सभी को सहायता सहयोग हर एक विषय में हम लोग अपना योगदान। आपका परिचय? रामाशंकर राम, सोदपुर एरिया प्रेसिडेंट के दायित्व में है।